नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों हम लोग जो है कार डेटा के अंतर्गत एम्फीबिया की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सैलामेंडर इज एनी फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एन एम्फीबियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्बलेस एम्फीबियन। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्थियोफिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है विच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्टोइज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर फोर्थ फायर बेल्ट टोड इज यानी फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बिनेटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कह रहा है एन एम्फीबियन लैकिंग टंग इज यानी कि फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्थियोफिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह रहा है नेक्टोरस इज कॉमनली कॉल्ड। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मड पपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये कह रहा है कि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल इज यानी कि सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्टोइज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर एट ये कह रहा है फ्रॉग हैज एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईयर्स बट नो पिनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर नाइन्थ फ्रॉग हैज नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर फिंगर एंड फाइव टोइज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर टेन ये कह रहा है कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग इज। तो टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इवन आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी इज कॉल्ड। इलेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोटेनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये कह रहा है द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फ्रॉग आर। ट्वेल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकस एंड पॉइजनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर थर्टीन फ्रॉग इज। थर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरियोटेनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नियोटेनी इज फाउंड इन। फोर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोलोटल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये कह रहा है फ्रॉग बिलोंग टू द ऑर्डर। फिफ्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन्यूरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज। सिक्सटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनेफ्रॉस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फ्लाइंग फ्रॉग इज। सेवनटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैपोफोरस ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रैकोफोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर एटीन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड इन टू पॉइजन ग्लैंड। ग्लैंड यानी कि एटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरोटिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 19 एक्सोलोटल इज द नेम गिवन टू द लार्वा ऑफ। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बी स्टोमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 20 एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग्स टू द ऑर्डर। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपोडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 21 लिम्बलेस एम्फीबियन बिलोंग टू द ऑर्डर। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोफियोना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि न्यूट इज। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 23 मिडवाइफ टोड बिलोंग टू द जीनस। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलाइटस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है सिसिलियन बिलोंग टू द ऑर्डर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोफियोना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 25 एम्बियो स्टोमा इज फाउंड इन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर विद एनी। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे कांगो इल इज एन। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस एम्फीबियन। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूफोमैरिनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं एम्फीबियन आर नॉट फाउंड। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन।
30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमनियोट, एक राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस वेयर टेट्रापोड्स दैट इवॉल्व ड्यूरिंग, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेवोनियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर एम्फीबिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 33, द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रैबिट इन द प्रेजेंस ऑफ, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 34, डर्मल स्केल्स इम्बेडेड इन द स्किन आर प्रेजेंट इन, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्थियोफिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 35, हॉर्न टोड इज ए एन, इनकी 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेप्टाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 36, लोअर जा इज टूथलेस इज इन, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ऑफ थंब इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 38, एक नेक इज ऑब्सेंट इन फ्रॉग, द हेल्प्स फ्रॉग इन दिस, हेल्प इन फ्रॉग इन, यानी कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंपिंग ऑन ग्राउंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फर्स्ट, यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 40, ए फ्रॉग लिव्स इन वाटर और नियर वाटर बिकॉज, यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट रेस्पायर थ्रू द स्किन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 41 कह रहा है कि ग्रुप ऑफ मिनट स्केल्स अरेंज्ड इन ट्रांजर्व रो आर फाउंड बीनीथ द ग्रूव ऑफ द स्किन, द एनिमल कैन बी आइडेंटिफाइड एज, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपोडन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्थियोफिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बियोस्टोमा, 43 कह रहा है नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन, 43 का राइट आंसर क्या होगा, एम्बियोस्टोमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिवोनियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 45, इक्थियोफिश इज ए मेंबर ऑफ, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 46, जिम्नोफियोना आर, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्मी फॉर्म विदाउट लिम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग ए सबक्रैनियम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल हार्ट, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रापोडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फाइव और ई का फर्स्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है विच टाइप ऑफ सिलोम इज फाउंड इन फ्रॉग, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइजोसील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है टीथ इन फ्रॉग आर, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्रोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट या ऑल ऑफ दी, तो ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेमेंडर बिलोंग्स टू, यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, यानी 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेमेंडर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कॉमन बिटवीन न्यूट एंड हेमिडैक्टिलस, यानी कि 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रॉग इज कॉल्ड एन एम्फीबियन बिकॉज, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 55, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेमेंडर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमोफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एपिडर्मल,
ईट ईपीडर्मल स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास रेप्टिलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज विदाउट ईपीडर्मल स्केल। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द एक्सटिंट एम्फीबियन इज, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोकैलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करिए, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए का फर्स्ट, ए का फाइव, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री और ई का टू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एक्सोलोटल लार्वा। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 59 का राइट आंसर फर्स्ट और सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इट शोज न्यूटेनी एंड पीटोजेनेसिस, अब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स शो द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल ईयर, यानी कि एस्ट्रियन रेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि लिम्बलेस एम्फीबियन आर कॉल्ड। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिसिलियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्फीबियन। तो 62 का राइट आंसर एमनियोटिक एग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार जो है ये सेशन महत्वपूर्ण जो सेशन है समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।